आइए दुआ करते हैं और इस अभ्यास की हम शुरुआत करते हैं। अपनी आंखों को बंद करेंगे प्यारों। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर, थैंक यू लॉर्ड। परमेश्वर हम आपकी स्तुति करते हैं, धन्यवाद करते प्रभु इस अद्भुत अवसर के लिए कि जिसमें प्रभु हम सभी को एक साथ मिलकर ये सब बातें आपके वचन सीखने का समझने का हमें एक मौका मिला, एक अवसर मिला। प्रभु हम आपके आभारी है परमेश्वर। प्रभु बहुत सारी बातें आज तक सुलझी हुई नहीं थी पिता। प्रभु हम देखे तो प्रभु बंद थी जिसको हम शायद समझ नहीं पा रहे थे, पर प्रभु इन दिनों में आपने ये अनुग्रह दिया है कि उन बातों को हम धीरे धीरे समझ पा रहे हैं। परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा आपके व्यवहार के लिए आभारी है। विशेष हम आज की बाइबल स्टडी को आपके पास लाते हैं। फिर से पवित्र आत्मा आप हमें तैयार करें आपके वचन को सीखने के लिए, समझने के लिए। प्रभु आप हमें आपके बुद्धि और ज्ञान से भरे। प्रभु आपकी आत्मा विशेष जो हमारे सहायक के रूप में भेजी गई है, हम प्रार्थना करते हैं वो सहायक आज फिर से हमारी निर्बलताओं में, कमजोरियों में हमें सहायता दे, सामर्थ्य दे। विशेष ज्ञान और बुद्धि का आत्मा है तब हम मांगते हैं आपकी उन बातों को समझने के लिए आप ज्ञान और बुद्धि दीजिए पिता। समझ दीजिए, मुझ पर अनुग्रह दीजिए पिता, अनुग्रह कीजिए कि प्रभु इन सब बातों को प्रभु आपकी महिमा में, प्रभु आपके बेटे बेटियों के समक्ष प्रभु प्रभु रख पाए परमेश्वर, ताकि हम सब कुछ सीखे, ग्रहण करें और आपकी महिमा हो। प्रभु शैतान की हर एक रुकावट और एक बाधाओं को, ऑनलाइन नेटवर्क में आने वाली हर एक बाधाओं को हम यीशु के लहू में बांधते हैं और प्रभु यीशु मसीह के बड़े पवित्र नाम से हम उसको निष्फल जाहिर करते हैं। प्रभु आपकी महिमा हो। प्रभु यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं, आमेन। आइए आज की जो बाइबल स्टडी है उसको हम आगे बढ़ाते हैं। छठी और सातवीं तुरही के बीच में प्यारो मध्यांतर की घटनाएं आती हैं। ऐसे बीच बीच में प्रकाशित वाक्य का एक ढांचा है। अब रेवलेशन देखोगे प्रकाशित वाक्य, तो उसमें एक किस्म का स्ट्रक्चर, ढांचा दिखाई देता है कि जिसमें कुछ कुछ समय पर मध्यांतर आता है कि उस समय में कुछ घटनाएं, कुछ कैरेक्टर, कुछ पात्र उन दोनों अध्याय को या तो उन दोनों इवेंट को कड़ी समान मतलब जोड़ती होती है। नहीं तो ये घटनाएं में भी बहुत सारा संदेश छुपा हुआ है और इसका भी खास पर्पज है। नहीं ऐसे ही प्रभु यीशु मसीह ने पद्मस टापू पर यूहन्ना को प्रकाशित वाक्य के बारे में नहीं लिखने की, जो जो तू देख रहा है उसको लिखने की सूचना दी परमेश्वर ने उसको। ऐसे ही सूचना नहीं दी है कि तू लिख दे और ऐसे ही हमारे पास नहीं आ गया। इसके पीछे इसमें इसके अंदर जो जो भी शामिल किया गया प्यारो सच में बहुत ही अद्भुत बातें इसमें है। और आज जो है छठवीं तुरही के बाद में बारी आती है सातवीं तुरही। सातवीं तुरही फूकी जाए ये है अंतिम तुरही। नहीं सात तुरही का न्याय है, सेवन ट्रम्पेट का ये जजमेंट है, पर ये सातवीं तुरही फूकी जाए इससे पहले कुछ घटनाएं हो रही है यहाँ पर। तो प्रकाशित वाक्य के दसवें अध्याय में ये बात है। आपके सामने आप दसवां अध्याय आप खुला रख सकते हो और यहाँ पर कुछ पात्रों के बारे में वर्णन किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते होंगे कि फिर मैंने एक और शक्तिशाली स्वर्ग दूत को बादल ओढ़े हुए स्वर्ग से उतरते देखा। कैसे? स्वर्ग दूत को और वो भी कैसा माइटी, शक्तिशाली शब्द का इस्तेमाल किया है। माइटी मतलब बहुत महाबली। और बादल ओढ़े हुए स्वर्ग से उतरते देखा, उसके सिर पर मेघ धनुष था। देखिए इसके अंदर जो लाक्षणिकता है बताई गई है उसकी और आप ध्यान कीजिएगा कि उसके सिर पर मेघ धनुष था और उसका मुंह सूर्य का सा था और उसके पांव आग के खंभे के से थे और उसके हाथ में एक छोटी सी खुली हुई पुस्तक थी। क्या है? खुली हुई पुस्तक थी। उसने अपना दाहिना पांव समुद्र पर और बायां पांव पृथ्वी पर रखा। कुछ आए तो छोड़कर वहां पर लिखा है बड़े शब्द से वो चिल्लाया। नहीं जो स्वर्गदूत था जो खुली किताब लेकर खड़ा था उसका एक पांव समुद्र पर था और दूसरा पांव पृथ्वी पर था
और वो बड़े शब्द से चिल्लाया जैसे सिंह गरजता है। और उस चिल्लाहट में कुछ बातें शामिल है, कुछ आयतों के देखिए, अब तो और देर न होगी, वरन सातवें स्वर्गदूत के शब्द देने के दिनों में जब वह तुरई फूकने पर होगा तो परमेश्वर का गुप्त मनोरथ उस समाचार के अनुसार जो उसने अपने दास भविष्यवक्ताओं को दिया पूरा होगा। अभी यहाँ पर हम ये सोचने का समझने का प्रयास करेंगे कि ये शक्तिशाली स्वर्गदूत कौन है। ये शक्तिशाली स्वर्गदूत की ओर आप देखो तो आपको ध्यान में आएगा कि शब्द इस्तेमाल किया है माइटी। पुराने नियम में निर्गमन में भी ये बात है कि जब भी परमेश्वर के पुत्र का वर्णन वहां आया है तो वहां पर माइटी एंजल ये शब्द इस्तेमाल किया गया है। माइटी एंजल मतलब शक्तिशाली महान स्वर्गदूत। हालांकि मुख्य स्वर्गदूत प्रधान स्वर्गदूत मिखाएल है, पर जब मिखाएल का नाम आता है तो उसका वहां पर उल्लेख किया गया है। पर यहाँ पर पुराने नियम में जहां भी परमेश्वर के पुत्र की बात आती है तो ज्यादातर कुछ भागों में माइटी एंजल ये शब्द इस्तेमाल किया गया। तो ये बात बताती है कि यहाँ पर जो स्वर्गदूत की बात बताई गई है ये मोस्ट प्रोबेबल, मेरा पूरा अनुमान यह है कि यह प्रभु यीशु मसीह की बात है कि उसका मुंह सूर्य का सा था। मत्ती 17:2 में साफ लिखा है कि जब वो आएगा तब उसका मुंह इस प्रकार का था कि सूर्य का सा था। रिवेलेशन 1:16 में हम पढ़ते हैं तो वहां पर भी यही बात बताई कि उसका मुंह सूर्य के समान है। नहीं, और दूसरी बात उनके वर्णन करते हुए बताई है कि उसके पांव आग के खंभे। प्रकाशित वाक्य 1:15 में यही बात है कि उसके पांव आग के खंभे जैसे हैं। मतलब वो यीशु मसीह का जहाँ वर्णन किया है प्रकाशित वाक्य पहले दिन में वहां बिल्कुल वो ही वर्णन यहाँ पर देखने को मिलता है। इसका मतलब यह है कि यह शक्तिशाली स्वर्गदूत और कोई नहीं पर यीशु मसीह हो सकते हैं। हालांकि बहुत सारे दूसरे अभ्यासियों का कहना है कि ये कोई और स्वर्गदूत भी हो सकता है, पर जो जिस प्रकार वर्णन यहाँ पर किया गया वो हमें यीशु मसीह की ओर ही संकेत करते हैं। और दूसरी जो बात यहाँ पर है कि उसके हाथ में एक छोटी पुस्तक है और वो महत्वपूर्ण बात है कि वो खुली हुई है ना। तो ये कौन सी पुस्तक है? तो प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय में हम पिछले समय में जो सीखे थे और वो था 7 मुहरों लगी हुई पुस्तक। अब उसको एक एक मुहर को खोलकर आखिरी मुहर खोल दी गई तो वो पुस्तक पूरी खुल गई है। तो वो ही खुली पुस्तक अब ये स्वर्गदूत के हाथ में यहाँ पर है। अब वो पुस्तक क्या है? नहीं, हमने ये सीखा था कि वो पुस्तक जो 7 मुहरों से बंधी हुई थी उसको खोलना, इसका मतलब अनसील करना, ये बताता है कि उसी पुस्तक में बहुत सारी घटनाएं लॉक की गई थी, सील की गई थी, पर अब ये सील निकालने के द्वारा इस पृथ्वी पर का जो न्याय परमेश्वर यीशु मसीह जाहिर करने वाला है वो खोल सकता है। यह न्याय करने का अधिकार सिर्फ यीशु मसीह पर को दिया है परमेश्वर ने, इसलिए न्याय शासन न्याय अगर जाहिर कर सकते हैं तो यीशु मसीह, इसीलिए वो मुहर खोल रहा है। इसलिए वहां पर 5 अध्याय में हम देखते हैं कि कोई यह पुस्तक की मुहरें खोलने के लायक न मिला, पर मेमना जो विजयी हुआ है नहीं वो इसको खोल सकते हैं। और उन्होंने खोली, एक के बाद एक मुहरे खोली और हम देखते गए, एक के बाद एक देखते गए और पूरी पुस्तक खुल गई थी। मतलब ये पुस्तक जो उनके हाथ में है वो इस पृथ्वी पर आने वाले समय में जो घटनाएं बीतने वाली है परमेश्वर के न्याय के रूप में, उसके क्रोध और कोप के रूप में, वो उसका वर्णन इसमें किया गया है। मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि ये पृथ्वी का अधिकार पत्र है, ऑथोरिटी लेटर है ना, हम ये बात बोल सकते हैं। अब यहाँ पर समुद्र और पृथ्वी पर पांव, ये बात क्या बताते हैं पता है? यहाँ पर परमेश्वर ये बात जाहिर कर रहे हैं कि जो जगत शैतान के हस्तक चला गया था, हम यूहन्ना रचित यूहन्ना के पत्र में ये बात है कि सारा जगत उसके वश में है, शैतान के वश में है। प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना रचित सुसमाचार में एक जगह पर बोलते कि अब उसका न्याय करने का
इस जगत के अधिकारी का न्याय करने का समय आ गया, इस संसार से निकालने का समय आ गया है। नहीं, ये सब बातें बताती है कि यह संसार, यह पृथ्वी उसके वश में है। नहीं, वो कुछ परमेश्वर सॉवरेन लॉर्ड है। नहीं, देखिए परमेश्वर सर्वोपरि है सबके ऊपर, पर फिर भी सब कुछ लीगली हो रहा है। नहीं, कायदा की रीति से सब कुछ सही हो रहा है यहाँ पर। और शैतान ने जो चीजें हथिया ली थी, अब उसके पास से वापिस ली जा रही है, क्योंकि यीशु मसीह ने सब कुछ सृष्टि की थी। नहीं, पृथ्वी और उसमें की जो भी चीजें थी वो परमेश्वर की, और उस परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने सृष्टि थी ये सब चीजें। अब यीशु मसीह यहाँ पर समुद्र पर और पृथ्वी पर पांव रखकर ये बात का दावा कर रहे हैं कि अब ये हमारी है ना। ये वो ही दावा कर सकता है जो उनका होता है। आपको पता हो तो व्यवस्था विवरण में, डिट्रोनमी में, यहोशु को प्रभु बोलते कि जो जमीन आपके पांव के तले आएगी वो आपको मैं दूंगा, है ना। मतलब यहाँ पर पांव तले लेने की मतलब अधिकार जाहिर करने की बात है। अब यहाँ समुद्र और पृथ्वी पर जो भी घटनाएं घटेगी वो मेरे अधिकार में होगी, यह बात का वर्णन यहाँ पर किया जा रहा है। सब कुछ बहुत सिंबॉलिक है, पर सिंबॉलिक भी नहीं है, इसके अंदर बहुत संदेश गहरा छुपा हुआ है। मतलब पांव रखना समुद्र पर और पृथ्वी पर, यह बात बताता है कि अब इस पृथ्वी पर और समुद्र पर जो होगा वो इस पुस्तक में लिखे हुए न्याय के अनुसार होगा, जो मेरा क्रोध है, वो यीशु मसीह इस प्रकार बोल रहे हैं। समुद्र और पृथ्वी पर उनका पांव इस तरीके से रखकर उन्होंने अपना दावा जाहिर किया है। दूसरी एक बात यहाँ पर अगर आप 10वें अध्याय में पढ़ो तो आप देख सकते हो वहां पर जब ये सब बातें लिखा है चौथी आयत में, जब सातों गर्जन के शब्द सुनाई दे चुके तो मैं, मतलब यूहन्ना बोल रहा है कि मैं लिखने पर था, पर मैंने स्वर्ग से यह शब्द सुना, जो बातें गर्जन के उन सात शब्दों से सुनी है उन्हें गुप्त रख। प्रभु यहां बोल रहे हैं कि उसे गुप्त रख, तू लिख मत डाल, इसको मत लिख, जो कुछ लिखना था वो तो तुझे लिखना ही है पर ये मत लिख। यार हो सकता है इसमें कुछ बड़ा संदेश हो, प्रभु प्रकट करेंगे तो जरूर इसको हम सीख पाएंगे, पर यहाँ गुप्त रखने की बात लिखी है। और लिखा है कि जिस स्वर्गदूत को मैंने समुद्र पृथ्वी पर खड़े देखा उसने अपना दाहिना हाथ स्वर्ग की ओर उठाया, और वहां पर लिखा है जो युगानुयुग जीवता है, ये सब बातें कि उसकी शपथ खाकर कहा अब तो और देरे न होगी। एक यहाँ पर एक अनाउंसमेंट हो रही है, यहाँ पर एक डिक्लेरेशन हो रहा है कि अब तो और देर न होगी। क्या देर न होगी, तो आगे वो बात आपको पता चलेगी जब हम पढ़ेंगे। तो सातवें आयत, वरन सातवें स्वर्गदूत के तुरही फूकने पर होने वाले शब्द के दिनों में परमेश्वर का गुप्त मनोरथ उस सुसमाचार के अनुसार जो उसने अपने दास भविष्यवक्ताओं को दिया पूरा होगा। क्या, तो परमेश्वर का गुप्त मनोरथ, एक मनोरथ परमेश्वर का जो है गुप्त मनोरथ, जिसके बारे में यूहन्ना 12:31 में प्रभु ने बोला कि इस जगत के अधिकारी का न्याय करने का समय आ गया है। यह भविष्यवाणी के रूप में था। उत्पत्ति 3:15 में भी यही बात भविष्यवाणी के रूप में थी कि नहीं, शैतान के बारे में वहां पर लिखा था कि प्रभु आदम, हवा और उन शैतान, इन तीनों को अलग 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 रूप से जो दंड वहां पर दे रहे वो बात बताई थी। वो ही बात यहाँ पर जाहिर हो रही है कि शैतान को इस जगत के राज्य से निकाल जाने का विषय में है यह गुप्त मनोरथ। प्यारो, तो ये बात यहाँ पर जाहिर हो रही है। और बाद में यहाँ पर लिखा है कि मैंने 8:00 जिस शब्दों को मैंने स्वर्ग से बोलते सुना था वह फिर मेरे साथ बातें करने लगा, जा जो स्वर्गदूत समुद्र और पृथ्वी पर खड़ा है उसके हाथ में की खुली हुई पुस्तक ले ले। मैंने स्वर्गदूत के पास जाकर यह छोटी पुस्तक मुझे दे। उसने मुझसे कहा ले इसे खा ले, यह तेरा पेट कड़वा तो करेगी पर तेरे मुंह में मधु सी मीठी लगेगी। अतः मैं वह छोटी पुस्तक उस स्वर्गदूत के हाथ से लेकर खा गया। वह मेरे मुंह में मधु सी मीठी तो लगी पर जब मैं खा गया तो मेरा पेट कड़वा हो गया। तब मुझसे यह कहा गया तुझे बहुत से लोगों और जातियों और भाषा और राजाओं के विषय में फिर भविष्यवाणी करनी होगी। प्यारो, यहाँ उसी पुस्तक को यूहन्ना को परमेश्वर कहते हैं कि तू इसको ले ले और खा जा, है ना। तो मतलब
लिटरली वो वहां पर खाने की बात है यहाँ पर। अब यर्मिया में, इजेकियल में यही बात आप उसके 15वीं अध्याय 16वीं आयत, इजेकियल के दूसरे अध्याय 9वीं आयत, इसी में यही बात लिखी है कि परमेश्वर का दास इजेकियल और यर्मिया जो कुछ लिखता है परमेश्वर वहां पर उनको बताता है नहीं कि ये खाने की बात है। और यर्मिया वहां पर बोलता है, इजेकियल बोलता है कि मैंने तेरी बातें तेरे वचन खाए और मुझे मधु के समान मीठे लगे। तो मतलब ये प्रकाशन, कहने का मतलब है, तात्पर्य यह है कि यूहन्ना ने ये पूरा प्रकाशन, इस पुस्तक का पूरा प्रकाशन उसको समझ में आया, मतलब नहीं और कड़वा लगा। इसका मतलब है कि उसको लगा कि ये घटनाएं कितनी भयानक है, नहीं ये बात बताती है। मीठी लगी, इसका मतलब ये है कि उसको सब समझ में तो आ गया, सब बातें ओपन तो हो गई, पर कड़वी लगने का मतलब यही है कि नहीं बहुत कड़वी घटनाएं होने वाली है। प्यारो ये बात का वर्णन है यहाँ पर। तो ये 10वां अध्याय ये पूरी बात यहाँ पर बताती है। अब दूसरी जो घटना, मध्यांतर की दूसरी घटना, पहली घटना हमने देखी कि एक स्वर्गदूत है यहाँ पर जिसका हाथ में खुली पुस्तक है, वो छोटी पुस्तक और कोई नहीं, वो 5वें अध्याय की सील्ड मुहर बंद पुस्तक है और जिसको खोला गया है। अब 11वें अध्याय में हम आ जाते हैं, 10वें अध्याय से सीधे 11वें अध्याय में, 10वां अध्याय यहाँ पर पूरा होता है। यहाँ पर दो गवाहों के बारे में टाइटल दिया है। पहली जो आयत है वहां पर ऐसा लिखा है, फिर मुझे नापने के लिए एक सरकंडा दिया गया और किसी ने कहा, उठ परमेश्वर के मंदिर और वेदी और उसमें उपासना करने वालों को नाप ले, पर मंदिर के बाहर का आंगन छोड़ दे, उसे मत नाप, क्योंकि वह अन्य जातियों को दिया गया है और वे पवित्र नगर को 42 महीने तक रौंदेगी। क्या लिखा है, 42 महीने तक रौंदेगी। मैं अपने दो गवाहों को यह अधिकार दूंगा कि टाट ओढ़े हुए 1260 दिन तक भविष्यवाणी करे। यहाँ पर जो मंदिर की बात की गई है, आप स्लाइड में यहाँ पर सामने देख पाओगे प्यारो, परमेश्वर का मंदिर यहाँ पर इस प्रकार का प्रभु का मंदिर है यहाँ जिसका वर्णन किया गया है। पर यह वो मंदिर नहीं है जो हम नए नियम में सुसमाचार में पढ़ते हैं। वो मंदिर तो टूट चुका, जिसके बारे में यीशु मसीह ने भविष्यवाणी की थी कि इस मंदिर का, जिसको लेकर फरोशी और यहूदी लोग बहुत गर्व कर रहे थे, प्रभु ने वहां साफ भविष्यवाणी की कि इस मंदिर का एक पत्थर भी इस दूसरे पत्थर पर रह ना पाएगा, मतलब सब कुछ ढा दिया जाएगा। और प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गारोहण होने के 30-35 साल बाद में ही नहीं वो घटना हुई कि इसमें सन 70 में टाइटस रोमन साम्राज्य जा था, वहां से सेनापति उनका था, टाइटस आया और पूरा सब कुछ वहां खत्म कर दिया प्यारो। और उसके बाद में एक दीवार वहां पर रह गई थी। और उस समय के बाद में अगर कभी मंदिर बंधेगा तो वो ये समय होगा, महा क्लेश काल का समय, जब कलीसिया का रैप्चर हो जाएगा और उसके बाद में वो पहले 3.5 साल का जो समय है उसी दौरान शुरुआत में ही सब कुछ प्यारो, ये मंदिर बांधने के लिए आज के समय में सारी तैयारियां चल रही है। आपको अगर लेटेस्ट न्यूज पता हो तो इसके बारे में सारी तैयारियां हो रही है, बलिदान और अर्पण विधि की ट्रेनिंग वहां पर याजक लोग ले रहे हैं कि कैसे होना चाहिए, क्या होना चाहिए, नहीं ये सब बातें हो रहा है इन दिनों में, मतलब सब कुछ स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहा है उस घटना की ओर। और दूसरी चीज, ये वो मंदिर भी नहीं है कि जो मिलेनियम में सहस्त्राब्दी वर्ष जो होगा 1000 साल का, जो ये क्लेश काल 7 साल का पूरा हो जाएगा, उसके बाद में प्रभु यीशु का 1000 साल का राज्य आएगा जिसमें वो मंदिर दूसरा होगा, वो मंदिर भी ये नहीं है जिसके बारे में वर्णन इजेकियल में बताया गया है कि 6 अध्याय 12वीं 13वीं आयत में, जखारिया में इजेकियल 38 और 42 आयत में उसका वर्णन किया गया कि एक और मंदिर बनेगा और वो होगा सहस्त्राब्दी वर्ष में, मतलब अब आने वाले समयों में मंदिर बनेगा तो रैप्चर के बाद में, कलीसिया का रैप्चर हो जाए के बाद, और वो शुरुआत के 3.5 साल के समय में बन चुका होगा और उसमें अर्पण भी शुरू हो चुके होंगे।
देखिए ये मंदिर जो बन जाएगा 7 साल के अंत में खत्म भी हो जाएगा। हाँ ये मंदिर बंधेगा, ये 7 साल के दौरान पर खत्म भी हो जाएगा। क्यों और कहाँ बनेगा ये मंदिर? क्योंकि बड़े भूकंप होगा और बिल्कुल डॉम ऑफ द रॉक, यहाँ पर शुरुआत के अध्याय में हमने आयतों में पढ़ा कि क्या लिखा है, मंदिर के बाहर का आंगन छोड़ दे, उसे मत नाप क्योंकि वो अन्य जातियों को दिया गया है और वे पवित्र नगर को 42 महीने तक रौंद देगी। मतलब आज का जो डॉम ऑफ द रॉक जिसकी बात करते हैं, नहीं उसके बाजू में अल-अक्सा मस्जिद है और बिल्कुल वो ही जगह पर वहां पर मंदिर की बात वहां पर की गई है कि वहां बन सकता है, मोस्ट प्रोबेबल ऐसा बोला जा रहा है अभ्यासियों के अनुसार। अगर लोग यहाँ पर ऐसा भी बोलते हैं कि यह डॉम ऑफ द रॉक पहले टूट जाएगा और फिर उस जगह पर बनेगा, पर अगर ये टूट गया तो प्यारो पूरे विश्व में, इस्लामिक वर्ल्ड में बहुत भारी नहीं एक तूफानी बवंडर खड़ा हो जाएगा और जिसको शांत करने का, मतलब ये जो समय होगा 3.5 साल शुरुआत के क्लेश काल की शुरुआत, वो शांति की वाचा करने का समय होगा, तो वो शांति नहीं होगी वहां पर, फिर वहां पर माहौल कुछ और हो गया होगा। तो इसीलिए वहां पर कुछ ऐसा सॉल्यूशन आएगा वहां पर कि मस्जिद वहां पर रहेगी, उसको नहीं तोड़ा जाएगा, पर कुछ ऐसा सॉल्यूशन होगा जिसके बारे में एंटी क्राइस्ट, जिसके जो शांति की वाचा करने वाला है यहूदियों के साथ में कि आने वाले समयों में 7 साल में यह वाचा कि भाई कोई भी किस्म का उपद्रव यहाँ पर नहीं होगा, तो शांति की वाचा बन गई, मतलब मामला सुलझा दिया गया। पर प्यारो सहस्त्राब्दी का मंदिर बंधेगा कैसे फिर, मिलेनियम का ये कब बंधेगा, 7 साल के बाद में, पर इसके लिए इन दोनों का जाना बहुत जरूरी है। तो कौन सुलझा सकता है इस मुद्दे को? परमेश्वर खुद सुलझाता है, वो हम देखेंगे कि एक बड़ा भूकंप होता है 7 साल के अंत के समय में और वो भूकंप के दौरान 2 भूकंप हो रहे हैं वहां पर और एक तो 2 गवाहों का पुनरुत्थान होता है तब और दूसरा यीशु मसीह वो ही थोड़े ही समय में स्वर्ग से उतर आएंगे और जैतून पर्वत पर अपने कदमों को रखेंगे। उस समय लिखा है कि बहुत बड़ा भूकंप हुआ और पहाड़ बीच में से फट गया जिसमें से जातियां होकर निकल सकती है, मतलब बहुत सारा क्राउड निकल सकता है, इतना बड़ा भूकंप होगा। मतलब उस भूकंप के दौरान ये दोनों खत्म हो जाएंगे मंदिर और उसके बाद में मिलेनियम शुरू होने वाला है प्रभु यीशु मसीह का, वहां पर आर्मागेडन की लड़ाई होगी, उसके बाद में मिलेनियम होगा, वो लड़ाई के बाद में वो हम आने वाले समय में सीखेंगे, वो अलग विषय है। पर इस प्रकार से घटनाएं आकार लेगी प्यारो, यह साफ बताता है कि हमारा परमेश्वर के ज्ञान वो सच में बहुत अतकर्य है, इसको कोई भी सुलझा नहीं सकता है प्यारो। जो मामले दुनिया के लोग सुलझा नहीं सकते, दुनिया के बड़े बड़े ज्ञानी सुलझा नहीं सकते, वो जिंदा परमेश्वर सुलझा सकता है। हमारे जीवन की तो क्या बात करें, हमारे जीवन के कोई मसले ऐसे नहीं है जो वो सुलझा ना सके प्यारो, सिर्फ हमें विश्वास से उसको बताने की जरूरत है। हम जल्द से आगे बढ़ेंगे। जब ये भूकंप होगा पूरा रास्ता, दूसरा सहस्त्राब्दी का मंदिर, मिलेनियम का मंदिर बनने का पूरा रास्ता खुल जाएगा और इस प्रकार वो मंदिर का निर्माण भी मिलेनियम में होगा। अब जो दूसरी बातें हैं और आगे हम पढ़ते हैं 11वें अध्याय में, वो 2 गवाहों के बारे में है। अब ये जो 2 गवाह है उनकी सेवकाई होगी राज्य का सुसमाचार, बोलिए राज्य का सुसमाचार। जब यूहन्ना बपतिस्मा आया तब वो भी राज्य का सुसमाचार लेकर आए थे, यीशु मसीह आए तब उन्होंने भी वही बात बोली कि परमेश्वर का राज्य निकट है, पश्चाताप करो और मन फिराओ, है ना। पर कलीसिया को प्रभु ने क्या सौंपा, क्योंकि यीशु मसीह का बलिदान अभी तक दिया नहीं गया था और अनुग्रह जारी नहीं हुआ था, सारा क्रोध यीशु पर उंडेला नहीं गया था, यीशु ने लिया नहीं था, नहीं जो क्रूस पर लिया जाता था, इसलिए कलीसिया को क्या दिया गया उनके स्वर्गारोहण के बाद, जो महान आदेश में लिखा है कि जाओ सुसमाचार, वो
अनुग्रह का सुसमाचार है। और इन दो गवाहों को जो परमेश्वर मिनिस्ट्री सेवकाएं देंगे, वो सेवकाएं है राज्य के सुसमाचार के बारे में, क्योंकि अनुग्रह का समय तो निकल चुका होगा, है ना, अनुग्रह का समय निकल चुका होगा, कलीसिया रैप्चर हो चुकी है, अब रहा क्या उसके राज्य में प्रवेश करने के लिए क्या रहा? नहीं, रास्ता तो वो ही है यीशु मसीह, और वो ही बात ये दो गवाह वहां पर पेश करेंगे, वो लोगों को सुसमाचार देंगे। यहाँ पर उस आयतों में लिखा है कि उनको यह अधिकार दूंगा कि टाट ओढ़े हुए 1260 दिन तक भविष्यवाणी करें। मतलब 1260 दिन क्या कहते हैं, 3.5 साल इनकी सेवकाई की अवधि होगी, 3.5 साल। तो प्यारो 3.5 साल तक ये क्या करेंगे उनके बारे में भी यहाँ पर वर्णन किया गया है। यदि कोई उनको हानि पहुंचाना चाहता है तो उनके मुंह से आग निकलकर उनके बैरियों को भस्म करती है। ओह, सोचे प्यारो, एक परमेश्वर के चुने हुए जो दास दासियां, इनके लिए भजन संहिता में लिखा है कि परमेश्वर के दास आग के, गुजराती में लगभग अग्नि ना भड़का छे, परमेश्वर के दास आग समान है। मतलब उनका बोलना भी, जब वो बोलते हैं तो वो आग के समान रहता है प्यारो, फायर, है ना। और ये ही बात है, आप प्रभु के दास चुनी हुए प्रजा हो, नहीं राजमान्य याजक हो प्यारो, और इसीलिए परमेश्वर ने आपके मुंह में बहुत कुछ रखा है। अगर आप बोलोगे परमेश्वर अद्भुत काम करेगा, ये आज का इसका एप्लीकेशन है, पर इसके और हम ज्यादा ध्यान करेंगे। यहाँ लिखा है कि उनके मुंह से आग निकलकर, अगर कोई भी उनको हानि पहुंचाना चाहते हैं, इनके मुंह से आग निकलकर उनके बैरियों को भस्म करती। अगर इसको सिंबॉलिक दिया लिया जाए तो उनके मुंह से वो कुछ ऐसा बोलेंगे जैसे एलिशा ने बोला था कि ये लोग अंधे हो जाए, तो वो लोग अंधे हो गए थे उस समय पुराने नियम में, नहीं ऐसा ही कुछ अगर सिंबॉलिक लेना चाहे तो वो भी, और अगर लिटरली इसको लेना चाहे तो हम ये समझ सकते हैं कि सच में उनके मुंह से आग निकलती होगी। और आगे लिखा है तो अवश्य इसी रीति से मार डाला जाएगा, उन है इन्हें अधिकार है कि आकाश को बंद करें कि उनकी भविष्यवाणी के दिनों में मेह न बरसे। और मतलब इनको प्रोफेसी का अधिकार प्रभु ने दिया है कि आप बोलोगे वैसा ही होगा, नहीं। और लिखा है कि और उन्हें सब पानी पर भी अधिकार दिया है कि उसे लहू बनाए, और जब जब चाहे तब तब पृथ्वी पर हर प्रकार की विपत्तियां लाए। मतलब न्याय लाने के लिए परमेश्वर यीशु मसीह ने यहाँ पर अपने दासों का इस्तेमाल किया है प्यारो। जो इनका आना कब हो रहा है पता है ना, 3.5 साल पहले पूरे हुए हैं और दूसरे 3.5 साल बस अब शुरू होने वाले हैं, बस वो ही समय में इनका आने का समय है। अब इस घटना को, ये समय को बहुत अच्छे से दिमाग में फिट कर लेना कि इन दो गवाहों का समय है पिछले 3.5 साल, मतलब महाक्लेश काल का समय। मतलब पिछले 3.5 साल में कौन सी घटनाएं आकर ले रही है स्टार्टिंग में, तो ख्रिस्त विरोधी एंटी क्राइस्ट अपना असली चेहरा दिखा देता है, मंदिर में अर्पण बंद करवा देता है और इजरायली लोगों को पर परेशानी डालना शुरू करवा देता है। तो ये सब बातें वहां पर हो रही होनी शुरुआत होगी और महाक्लेश काल की शुरुआत हो जाएगी। जो 15 कटोरे है, सॉरी मुझे माफ कीजिए, जो 7 कटोरे है, जो परमेश्वर के कोप के 7 कटोरे हैं, बोलते हैं कि ये परमेश्वर के कोप का एक अलग ही राउंड है, सेकंड राउंड जो बोल सकते हैं, और ये बहुत भारी है, वो समय है, ये वो 3.5 साल के समय में इनकी सेवकाई है। अध्याय यहाँ 11वां अध्याय बहुत सिंपल और छोटा सा है, हमें लगता है कि हाँ इनका काम पूरा हो गया, पर इनका काम आखिर तक, मतलब 7.5 साल के अंत तक इनका काम चलता है। अब ये बात अपने दिमाग में हमेशा रखना, ताकि दूसरी जो बातें आने वाली है उसको हम अच्छे से समझ सके। अब यहाँ पर जो बात है ये प्रकाशित वाक्य 7 और 9 में अगर आप पढ़ोगे तो वहां पर बड़ी भीड़ की बात लिखी गई है वहां पर, है ना, कि वो बड़ी भीड़ कौन है, आप निकाल कर पढ़ सकते हो 7 और 9। इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखो हर एक जाति और कुल और लोग और भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़
जिसे कोई नहीं गिन सकता था, श्वेत वस्त्र पहने अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी। अब आपको समझ में आ रहा है ये लोग कौन है? इनका ये बड़ी भीड़ वो है कि जिनका पुनरुत्थान 7 साल के अंत में हो चुका है और वो अब सिंहासन के सामने वहां पर खजूर की डालियां लिए हुए क्यों है? क्योंकि खजूर की डालियां बताती है विजय की प्रतीक है, वो मतलब वो जय पाए हुए महाक्लेश काल के संत है। और वे लोग इन दोनों नबियों की, इन दोनों गवाहों की सेवकाई के द्वारा उद्धार पाए हुए लोग है। प्यारो, तो प्यारो आप सोचो इनके द्वारा प्रभु बहुत बड़ा काम उस समय में करेंगे। अब हम ये प्रयास करते हैं कि भाई ये कौन हो सकते हैं, तो ज्यादातर अभ्यास यही मत पर आकर स्थिर हो जाता है कि ये एलिया और मूसा है। पर ये तीन संभावना है कि एलिया, मूसा और हनोक। मैंने उस समय बात बताई थी हनोक, क्यों हनोक हो कई प्रोबेबिलिटी है, संभावना है, क्योंकि हनोक को जिंदा ही जीवित ही उठा लिया गया था। आप इब्रानी 11 और 5 निकाल के पढ़ सकते हो मेरे साथ, इब्रानी 11 और 5। यहाँ पर ऐसा लिखा है कि विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को न देखे, मतलब हनोक वो था जिसने मृत्यु को देखा नहीं था और उसका पता नहीं मिला क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था और उसके उठाए जाने से पहले उसकी यह गवाही दी गई थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया है। 300 इसके बारे में लिखा है उत्पत्ति में, यह 300 साल प्रभु के साथ चला और उसको उठा लिया गया। अब एलिया भी ऐसे ही मौत नहीं देखा था, उठा लिया गया था। पर इन दिनों में मैं भी ज्यादा जो अभ्यास कर रहा था, मैं भी यही निचोड़ पर आया हूं कि ये एलिया और मूसा होंगे। क्यों ये क्यों होगा? क्योंकि सबसे पहली निशानी ये वचनों में ही लिखी हुई है कि मैं उनको अधिकार दूंगा कि टाट ओढ़े हुए। अब पता है आपको इनोक के समय में पुरानी वाचा नहीं हुई थी, अनोख जब था उस समय में 10 आज्ञाएं भी नहीं थी और नियम शास्त्र की 5 किताबें भी नहीं थी, मतलब उस समय में पश्चाताप करने के लिए का निर्देशन उन 5 किताबों में दिया था कि पश्चाताप के लिए उपवास करना है और वो भी टाट ओढ़ कर, मतलब टाट का इस्तेमाल अगर हुआ तो उस समय में हुआ कि जब मूसा का समय था, मतलब पुरानी वाचा के बाद का वो समय था प्यारा, इनोक का वो समय नहीं था। मतलब यहाँ टाट ओढ़े हुए ये लोग होंगे, तो इसका मतलब ये बात बताती है कि ये इनोक नहीं मूसा है। और दूसरी यहाँ पर एक बात है कि यहूदा की पत्री आप निकाले, एलिया तो है ही है, मालाखी 4 और 5 में साफ लिखा है कि मैं अंत के उन दिनों में एलिया को आपके पास भेज दूंगा, तो वो बात है, वो साफ स्पष्ट रूप से लिखा है। पर यहूदा की प्रति जो प्रकाशित वाक्य से जस्ट पहले आती है उसमें क्या लिखा है मेरे साथ, आप 9वीं आयत पढ़ें, उसमें लिखा है परंतु प्रधान स्वर्गदूत मिखाएल ने जब शैतान से मूसा के शव के विषय में वाद विवाद किया तो उसको बुरा भला कह के दोष लगाने का साहस न किया, पर यह कहा प्रभु तुझे डांटे। अब यहाँ पर मूसा के शव को लेकर विवाद क्यों हुआ? व्यवस्था विवरण 34 और 6 भी साथ में निकाल कर पढ़ेंगे। व्यवस्था विवरण 34 और 6, मूसा की जब मृत्यु हुई तो उसको दफन करने का काम परमेश्वर ने इसराइल लोगों को नहीं सौंपा था, वहां पर है नबो पर्वत पर उसकी मृत्यु हुई और लिखा है 34 में कि 6वीं आयत में, और उसने उसे मोआब के देश में बैतपुर के सामने एक तराई में मिट्टी दी और आज के दिन तक कोई नहीं जानता कि उसकी कब्र कहाँ है। मूसा की मृत्यु हुई तब उसकी उसको मिट्टी किसने दी? परमेश्वर ने उसको दफनाया वहां पर उसकी कब्र वहां पर नहीं थी। आपको पता हो तो अगर प्रभु इजरायली लोगों को यह काम सौंपते तो क्या होता वहां पर?
उनका यह रिवाज था कि 40 दिन तक वो शोक करते। यहां पर मूसा की मृत्यु के लिए 70 दिन तक इन्होंने शोक व्यक्त किया था, 70 days। पर इस दौरान ये लोग क्या करते थे, इनमें यह रिवाज था कि उस समय कि 40 दिन तक वो डेड बॉडी को रखते थे और उसमें सब मसाले और मटेरियल भर कर उसको संभालते थे। मतलब फिर उसको, उस डेड बॉडी को बिल्कुल अच्छे तरीके से वो संभाल देते थे। यही बात जब यूसुफ के पिताजी याकूब की मृत्यु हुई तो ये बात वहां पर हुई थी। अगर इजरायली लोग मूसा की डेड बॉडी उनके हाथ में रहती तो यही बात होती कि वो ऐसा कुछ कर डालते। पर यहाँ पर शैतान क्यों इनकी इनकी डेड बॉडी चाहता था, शैतान का भी कुछ मकसद था प्यारो। पर परमेश्वर ने वो करने नहीं दिया है, परमेश्वर ने मूसा को वहां पर उठा लिया है। यही बात वहां पर आ जाती है फिर, मतलब उसकी कब्र वहां पर है ही नहीं फिर, तो यही बात हो गई, मिट्टी दी गई, सब हुआ, उसकी मृत्यु हुई पर उसको उठा लिया गया है। क्यों? क्योंकि जब रूपांतर के पर्वत पर जब यीशु मसीह पत्रस याकूब और उनको जब ले जाते तो वहां पर क्या होता है, नए नियम में वो लोग कुछ देखते और वो क्या देखते हैं, एलिया और मूसा को। और पता है एलिया और मूसा वहां पर क्या बात कर रहे हैं, यीशु मसीह की मृत्यु के विषय में बात कर रहे हैं, वहां पर चर्चा कर रहे हैं कि मसीहा की मृत्यु है। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह की मृत्यु होगी तभी तो पुनरुत्थान होगा। इनका पुनरुत्थान यीशु मसीह के मृत्यु पर आधार रखता है, क्योंकि पहला फल यीशु मसीह है हमारे लिए और उसके बाद में हम जुड़ने वाले हैं उनके पीछे पीछे। तो ये बात है प्यारो, मूसा और एलिया ही यहाँ पर हो सकते हैं। लुका 9:31 में ये सब रेफरेंस आप पढ़ सकते हो कि ये 99.9% मूसा और एलिया है, इनों का चांस बहुत कम है। और टाट ओढ़े हुए ये सब बातें साफ बताती है कि ये वो ही है। ये दो गवाह की बात यहाँ पर है कि इनकी सेवकाई ऐसी रहेगी जो आप स्लाइड पर देख सकते हो, यही वो दो गवाह हैं। इनके बारे में ज्यादा और नहीं जाना चाहेंगे डिटेल। इन दो गवाहों के बारे में, उनकी मृत्यु के बारे में हम देखेंगे इनकी मृत्यु कैसे होगी। तो वहां पर 11वें अध्याय में लिखा है, पशु जो अथाह कुंड में से निकलेगा उनसे लड़कर उन्हें जीतेगा और उन्हें मार डालेगा, और उनकी लोथ है मतलब लाश है उस बड़े नगर के चौक में पड़ी रहेगी जहां उनका प्रभु भी क्रूस पर चढ़ाया गया था। और सब लोगों और कुलों, बहुत ध्यान से सुनना, और सब लोगों और कुलों और भाषाओं और जातियों में से लोग उनकी लोथ है मतलब लाश है 3.5 दिन तक देखते रहेंगे और उनकी लोथ है कब्र में रखने न देंगे। क्यों भाई? तो वहां पर अगर आप उस अध्याय को आप खोलकर देखोगे तो क्यों, इसका कारण वहां पर है कि पृथ्वी के रहने वाले उनके मरने से आनंदित और मगन होंगे। ये दो जब मर जाएंगे, जब अथाह कुंड में से वो दूत निकलेगा, अबाडोन अपोलियन की बात की है वहां पर, जब वो निकलेगा और वो इनके सामने लड़ाई लड़ेगा, उसके द्वारा इनकी मृत्यु होने वाली है ऐसा यहाँ पर वर्णन किया है। और तब पृथ्वी के रहने वाले इनके मरने से आनंदित और मगन होंगे और एक दूसरे के पास भेंट, आप सोचो तो सही, एक दूसरे के पास भेंट भेजेंगे ये लोग, दुनिया के लोग उस समय में इनके मरने के लिए, मरने के बाद भेंट भेजेंगे, मतलब इसको शुभ दिन समझेंगे वो, क्योंकि पृथ्वी के रहने वाले उनके मरने से आनंदित और क्योंकि इन दोनों भविष्य वक्ताओं ने पृथ्वी के रहने वालों को सताया था, बहुत सताया था, ऐसा ऐसा इन संसार के रहने वाले उस समय के महाक्लेश में काल के जो लोग होंगे वो ये बोलेंगे, जिनके ऊपर परमेश्वर का कोप प्रकट हुआ है इन ये क्लेश काल के पीरियड में। तो प्यारो, पूरी दुनिया इनकी डेड बॉडी को देखेंगी। आज का समय बहुत समय के अनुसार ये बातें लिखी हुई है कि पूरी दुनिया तभी दे सकती है कि इनके समय में ऐसी टेक्नोलॉजी हो कि एक जगह से दूसरे को, दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने में यहाँ जो हो रहा है देखा जा सके, ये तभी हो सकता है प्यारो। मतलब उनकी ये बातें पूरी दुनिया देखेगी। देखो 3.5 दिन के बाद परमेश्वर की ओर से जीवन की आत्मा उनमें बैठ गई और वे अपने पांवों के बल खड़े हो गए।
अब यहां पर मैं रुकता हूं, शब्द है 3.5 दिन के बाद, और इनका पुनरुत्थान। इनकी सेवकाई के लिए परमेश्वर ने कितना समय रखा था? 1260 दिन, मतलब 3.5 साल, आखिरी 3.5 साल की बात है। अब यहां पर इनका मृत्यु हो रहा है, इनकी सेवकाई पूरी हुई है और अब इनका पुनरुत्थान हो रहा है। मतलब ये जो 11वां अध्याय का ये हिस्सा है वो प्रभु यीशु मसीह के सेकंड कमिंग आने का बहुत थोड़े ही कुछ ही गिनती के 3-4 दिनों का फासला होगा, मैं मानता हूं मेरे अभ्यास के अनुमान से कि ये बहुत करीबी समय होगा। वो जो हम प्रकाशित वाक्य 19वें अध्याय में पढ़ते वो ही बात, वो ही घटना यहाँ पर जुड़ी हुई है। तो प्यारो, अगर आप प्रकाशित वाक्य पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि 2 गवाह तो बहुत पहले मर, पर वो पहले नहीं मरे, हमने बहुत पहले पढ़ा है इसलिए हमें ऐसा लगता है। पर यहाँ पर ये बात हो रही है कि वो 3.5 साल के अंत में यहाँ पर इनकी मृत्यु होगी और यहाँ पर उनका पुनरुत्थान हो रहा है। देखो कैसे 3.5 दिन के बाद परमेश्वर की ओर से जीवन की आत्मा उनमें बैठ गई और वे अपने पांवों के बल खड़े हो गए और उनके देखने वालों पर बड़ा भय छा गया और उन्हें स्वर्ग से एक बड़ा शब्द सुनाई दिया कि यहां ऊपर आओ। यह सुन वे बादल पर सवार होकर अपने बैरियों के देखते देखते स्वर्ग पर चढ़ गए। हालेलुया। यारो एक बात मैं कहना चाहूंगा, कभी भी मौत से ना डरो, मृत्यु तो आनी ही है एक दिन। इनको इनकी अवधि 3.5 साल की सेवकाई की थी, 3.5 साल तक इनकी अवधि जो परमेश्वर ने निर्माण की थी, तब तक कोई भी इनको इनका कुछ बिगाड़ नहीं सका, और जब उनका समय आया तब ही इनकी मृत्यु हुई। आप सोचो युगों से मूसा कहां पर, कितने हजारों सालों पहले है, एलिया कहां पर है, आप सोचो इतने हजारों साल तक परमेश्वर का आयोजन देखिए प्यारो, उनकी योजना देखिए, कितना महान परमेश्वर है हमारा। अब मृत्यु से डरने की जरूरत, जो समय आएगा तभी हम सब का जाना है, पर हम मौत से डर कर भागेंगे तो ये हम परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि आपको भय की आत्मा नहीं दी है, पवित्र आत्मा दी है जो सामर्थ की आत्मा है, उसको काम करने दीजिए आपके जीवन में। मृत्यु के भय को, पवित्र आत्मा को निकालने दीजिए। मैं जीऊंगा परमेश्वर की महिमा के लिए हूँ और प्रभु की महिमा में सेवकाई के दौरान, और मैं जब तक जीऊंगा उस समय तक करता रहूंगा क्योंकि ये ही मेरा कॉलिंग है और ये परमेश्वर ने मेरे लिए रखा है। यारो आपके लिए जो बात रखी है वो पूरी किए बगैर आप इस दुनिया को नहीं छोड़ोगे क्योंकि वो परमेश्वर ने निर्माण किया है प्यारो। और यहाँ वो पुनरुत्थान की बात यहाँ पर है कि जिसमें ये लोग पुनरुत्थान पाए। अब ये पुनरुत्थान में दूसरे और लोग भी जुड़ने वाले हैं। यस, ये पुनरुत्थान में दूसरे और भी लोग, और भी समूह यहाँ पर जुड़ने वाले हैं। अगर ये जुड़ेंगे तभी तो वो लोग वहां पर होंगे सिंहासन के सामने खजूर की डालियां लिए हुए, है ना। वो क्लेश काल के पीरियड में जितने भी लोग अपनी शहादत पाए हैं, नहीं मसीह की लिए उन्होंने अपनी अपने आप को विश्वास योग्य रखा, बनाए रखा, छाप नहीं ली, आप मेरे साथ निकाल सकते हो 20वां अध्याय प्रकाशित वाक्य और 4वीं आयत, वहां पर ऐसा लिखा, फिर मैंने सिंहासन देखे और उन पर लोग बैठ गए और उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया। मैंने उनकी आत्माओं को भी देखा जिनके सिर यीशु की गवाही देने, मतलब ये दूसरा समूह है, पहला समूह वो लोग बैठ गए उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया, दूसरा समूह उसमें ये है कि उनकी आत्माओं को देखा जिनके सिर यीशु की गवाही देने और परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए थे, और तीसरा समूह है यहाँ पर जिन्होंने न उस पशु की और न उसकी मूर्ति की पूजा की थी। मतलब 3.5 साल के शुरुआत के समय में जो मारे गए थे, उसके बाद में जो मारे गए थे, ये 7 साल के दौरान जो मर गए थे उनकी बात है, जो विश्वास योग्य ठहरे थे वे जीवित होकर मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज्य करते रहे। जब तक ये 1000 वर्ष पूरे न हुए तब तक शेष मरे हुए न जी उठे। और लिखा है यह तो पहला पुनरुत्थान है, धन्य और पवित्र वह है जो इस पहले पुनरुत्थान का भागी है, ऐसो पर दूसरी मृत्यु का कुछ भी अधिकार नहीं। ये पहला पुनरुत्थान की बात यहाँ पर वर्णन की गई है।
जिसमें इन दो दासों का है और दूसरे भी प्रभु के जो संतान इस क्लेश काल में हुई थी, नहीं विश्वास में आई थी, वो सभी लोग यहाँ पर जुड़ेंगे इस पुनरुत्थान। फिर उसी घड़ी एक बड़ा भूइडोल भूकंप हुआ यहाँ पर। अभी वो मंदिर की बात हुई ना, जो भूकंप होगा वो यह भूकंप की बात है। फिर उसी घड़ी एक बड़ा भूकंप हुआ और नगर का दसवां अंश, दसवां हिस्सा नगर का गिर पड़ा और उस भूइडोल से 7,000 मनुष्य मर गए। कितने मर गए? 7,000 मनुष्य। पहले मर गए थे 1/4, उसके बाद में भी 1/3 मर गए बस्ती, और इसके बाद में 7,000 मर गए यहाँ पर। मतलब बहुत सारी मौत है। लिखा है शेष और शेष डर गए और उसके स्वर की, स्वर के परमेश्वर की महिमा की। अब मामला यहाँ पर आ जाता है सातवीं तुरही। अब जाके सातवीं तुरही फूकी जाती है। अब ये जो घटनाएं हमने समझी, आपके ध्यान में आप हमेशा रखना है ना कि ये कौन सा पीरियड तक, कौन कब तक रुका रहता है। सातवीं तुरही का फूका जाना है, प्रकाशित वाक्य 11वें अध्याय से ये शुरुआत होती है, तो 15 से 19 अध्याय तक। इसमें हमने देखा था नहीं, 4 तुरही फूकी गई, 7 तुरही, 4 फूकी गई। उसके बाद में लिखी थी बाकी की जब तुरही फूकी जाएगी उसके लिए पृथ्वी पर रहने वालों के लिए हाय अफसोस। तो उसमें दो विपत्ति, जो अफसोस वाली हाय वाली विपत्ति थी, वो दो पहले पूरी हो चुकी है, पर अब तीसरी जो अफसोस और हाय वाली जो विपत्ति है वो यहाँ पर सातवीं तुरही फूके जाने से यहाँ पर पृथ्वी पर शुरू होगी। और यहाँ पर लिखा गया है, अब वर्णन होता है कि और भी भयानक दंड की, परमेश्वर का और भी भयानक दंड अब जाहिर होगा। ये इसके बारे में है कि परमेश्वर का ये अंतिम क्रोध इस सातवीं तुरही में जाहिर हो जाएगा। जब सातवीं तुरही फूकी जाएगी तो ये अंतिम क्रोध वहां पर जाहिर हो जाएगा। 7 कटोरे का न्याय जिसमें शामिल है, ये फूकते ही 7 कटोरे का न्याय यानी कि और दूसरी 7 विपत्तियां प्रारंभ हो जाएगी। इसीलिए यहाँ पर लिखा है कि ये जो आखिरी 3 तुरही है वो उसके लिए पृथ्वी पर रहने वालों के लिए हाय। पहले की 4 तुरही और उसके आगे की 7 मुहरे, ये सब कुछ बाहरी बाह्य भौतिक जगत के ऊपर का न्याय था, संकट था, पर ये सब कुछ अब इंसान के ऊपर आने वाले संकट की बात है, सीधे उनके शरीर के साथ डीलिंग है। देखिए यहाँ पर लिखा है, जब सातवें दूत ने तुरही फूकी तो स्वर्ग में इस विषय के बड़े बड़े शब्द होने लगे कि जगत का राज्य हमारे प्रभु का और उसके मसीह का हो गया और वह युगानुयुग राज्य करेगा और 2400 प्राचीन जो परमेश्वर के सामने अपने अपने सिंहासन पर बैठे थे मुंह के बल गिरकर परमेश्वर को दंडवत करके यह कहने लगे कि हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर जो है और जो था, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने अपनी बड़ी सामर्थ के काम में लाकर राज्य किया है। और लिखा है, और अन्य जातियों ने क्रोध किया और तेरा प्रकोप आप आ पड़ा। यार सातवीं तुरही के लिए आप देख सकते हो यहाँ पर स्लाइड में वो चित्रण वहां पर दिखाया गया है। वह समय आ पहुंचा है कि मरे हुओं का न्याय किया जाए। आगे की आयत में लिखा है 18वीं आयत में कि वह समय आ पहुंचा है कि मरे हुओं का न्याय किया जाए और तेरे दास भविष्य वक्ताओं और पवित्र लोगों को और उन छोटे बड़ों को जो तेरे नाम से डरते हैं बदला दिया जाए और पृथ्वी के बिगाड़ने वाले नाश किए जाए। देखिए कितनी सारी घटनाएं इसमें जुड़ी हुई है। मरे हुओं का न्याय किया जाए, आप समझ में आ रहा है मरे हुओं का न्याय। ये सातवीं तुरही हमें सीधे न्याय काल की और वहां पर ले जाती है कि यह अब वो समय आप पड़ा है, मतलब बहुत समय पास में कि अब मरे हुओं का न्याय किया जाए और तेरे भविष्य वक्ता दास पवित्र लोगों का छोटे बड़े तेरे नाम से रहते उनको रिवॉर्ड दिया जाए, उनको बदला दिया जाए और पृथ्वी के बिगाड़ने वालों का नाश किया जाए। देखिए कैसी भारी विपत्ति उस समय आ जाएगी कि बदला देने का समय है ये। परमेश्वर का 19वीं आयत में लिखा है, परमेश्वर का जो मंदिर स्वर्ग में है वह खोला गया। अब यहां पर सातवीं तुरही के फूके जाने से 7 कटोरों का न्याय प्रारंभ होने वाला है,
पर यहाँ पर जो भयानक संकट और भयानक विपत्ति काल जब चल रहा है यहाँ पर, एक और भी बात यहाँ पर हो रही है, और वो है परमेश्वर का मंदिर जो स्वर्ग में है खुल गया। लिखा है खोला गया और उसके मंदिर का संदूक दिखाई दिया, और बिजलियां और शब्द और गर्जन और भुईडोल हुए और बड़े बड़े ओले पड़े। क्या हुआ यहाँ पर? बिजलियां, शब्द, गर्जन, भूकंप और ओले गिरे जब मंदिर को खोला गया और उसमें वाचा का संदूक दिखाई दिया। आपको पता है यह बात क्या बताती है? यह बात ये साबित करती है प्यारों कि ऐसे भयानक संकट के समय में भी परमेश्वर कहता है कि इजरायली लोगों के साथ मेरी जो वाचा है, मैं उनको बचाने की वाचा मैं निभाऊंगा, मैं भूला नहीं हूं। ये भारी संकट में भी प्रभु उनके साथ यह व्यवहार कर रहा है प्यारो, अपने लोगों को बचाएगा प्यारो वो इस संकट में। ऐसा नहीं कि इन लोगों के साथ में वो लोग भी खत्म हो जाएंगे, पर इतना है कि इन सब में से उनको गुजरना पड़ेगा। कटोरे के न्याय को पृथ्वी पर उंडेलने की मानो यह एक अनुमति है। अब जो भयानक न्याय जाहिर होने वाला इस संसार पर, ये क्लेश काल के समय में, महाक्लेश काल के समय में, आखिरी 3.5 साल के समय में, इसमें परमेश्वर यहां पर मंदिर खोलकर वाचा का संदूक दिखाकर मानो ये अनुमति दे रहे, उनकी सहमति जाहिर कर रहे प्यारो। और दूसरी एक बात यहां पर हमें देखने मिलती है प्यारो, अगर आपको याद हो तो, याद है आपको पुराने नियम में भी पहले एक बार ऐसा ही कुछ हुआ था कि 7 बार कुछ हुआ था और फिर तुरहियां फूकी गई थी। याद हो तो यरीहो का कोट, यरीहो नगर को जब जीता गया था, यरीहो का नाम है शापित नगर, नहीं उसका मतलब ये है, उस शापित नगर पर जब जीतने की बात आई थी तब यही बात थी कि 7 बार प्रदक्षिणा करनी है और परमेश्वर के चुने हुए लोग वहां पर क्या करेंगे, जो नरसिंगे लेकर वहां पर क्या करेंगे, 7 बार वो नरसिंगे वहां पर वो फूकेंगे। यहाँ पर 7 स्वर्गदूत फूंक रहे हैं, वहां पर परमेश्वर के वहां पर याजक जो थे वो फूंक रहे हैं। और क्या हुआ जब ये हुआ, बड़ी आवाज वहां पर की गई और क्या हुआ, वहां पर लोग, परमेश्वर ने उनको बोला था यहोशू को जब ये किया जाए तब बड़ी आवाज निकालना। अब यहाँ पर भी क्या हुआ है, जब संदूक दिखाया गया तब बिजलियां और शब्द और गर्जन और भूकंप हुए, वहां पर यरीहो की दीवार टूट गई थी प्यारों। उससे पहले गर्जन हुआ, शब्द हुआ था, यहाँ पर भी बिल्कुल वैसे ही ये बात जुड़ी है प्यारो। ऐसा ही कुछ यहाँ पर हो रहा है कि इस संसार पर बहुत भारी न्याय आ रहा है। इसका मतलब ये है, अब के बाद, अब की जो घटनाएं है, महाक्लेश काल की घटनाएं है, और वो है, वो दूसरा हिस्से में अब प्रवेश यहाँ पर हो जाता है। हम ये बात जब प्रकाशित वाक्य 12वें अध्याय में पढ़ते तो अब ये समय की शुरुआत हो चुकी है। कटोरे उंडेले जाए, उससे पहले 7 पात्र, अब ये 7 पात्र की बात यहाँ पर परमेश्वर ने डाली है, जो हमें समझना बहुत आवश्यक है। मैं बहुत जल्दी इसको समझने का प्रयास करूंगा आपको। पहला 12वें अध्याय में यह है, पहला तो है स्त्री, दूसरा है लाल अजगर, तीसरा है छोटा बालक, चौथा है मिखाइल दूत स्वर्गदूत, पांचवा है शेष संतान, 13वें अध्याय में है समुद्र से निकला हुआ पशु जो ख्रिस्त विरोधी एंटी क्राइस्ट है, और दूसरा है पृथ्वी से निकला पशु जो है झूठा भविष्य वक्ता। अब आप 13वें अध्याय में जो एंटी क्राइस्ट समुद्र से निकला, क्यों ये समय में उसको समुद्र से निकला हुआ बताया है, ये भी समझने की बात है कि 3.5 साल के बाद में ख्रिस्त विरोधी अपना असली चेहरा दिखाएगा। और क्यों 3.5 साल के बाद में ही क्यों, तो इसकी बात है, हमें 12वें अध्याय में इसका जवाब मिलती है, और इसलिए 12वां और 13वां अध्याय एक दूसरे से बहुत कनेक्टेड है, और 12वां 13वां अध्याय 14वें अध्याय के साथ कनेक्टेड है, और 14वां अध्याय 15वें अध्याय के कटोरे, जो 7 कटोरे है, उसके साथ कनेक्टेड है प्यारो। तो इसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, इसीलिए हमने कल ब्रेक लिया था कि इन सब बातों को हम कैसे जाहिर कर पाए। नहीं तो हम जल्दी फटाफट देख जाते हैं, स्त्री
प्रकाशित वाक्य 12वें अध्याय में स्त्री के बारे में एक से दो आयत में लिखा है कि स्वर्ग पर एक बड़ा चिन्ह दिखाई दिया, अर्थात एक स्त्री जो सूर्य ओढ़े हुए थी और चांद उसके पांवों तले था और उसके सिर पर 12 तारों का मुकुट था। कितना? 12 तारों का। बहुत ध्यान से एक एक शब्द सुनिए, आप यहाँ पर पढ़िए कि एक स्त्री है, सूर्य को ओढ़े हुए है, चांद उसके पांवों तले है और उसके सिर पर 12 तारों का मुकुट। यहाँ पर आप देख सकते हो उसका पूरा वर्णन। और वो गर्भवती हुई और चिल्लाती थी क्योंकि प्रसव की पीड़ा उसे लगी थी और वह बच्चा जनने की पीड़ा में थी। कई बार इन लोगों को लगता है ये क्या बताता है परमेश्वर, ये क्या है, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पर प्यारो, अगर हम उसमें लिखे हुए शब्दों की और जब गौर करते हैं और जब परमेश्वर के वचन की और हम ध्यान करते हैं, पवित्र आत्मा हमारे ध्यान में लाता है कि पहले कुछ ऐसा हुआ है, पहले ऐसा कुछ हो चुका है बाइबल में, पहले के शुरुआत के अध्याय में। अगर आप देखोगे तो स्त्री जो सूर्य ओढ़े हुए थी, मालाखी 4:2 में लिखा है कि परमेश्वर अपनी प्रजा के ऊपर धार्मिकता के सूर्य का उदय होने देंगे। मतलब जो सूर्य ओढ़े हुए हैं, सूर्योदय की बात यहाँ पर लिखी है, और वो किसके लिए? अब उसकी प्रजा के लिए। अब आपको समझ में धीरे धीरे आ जाएगा कि ये स्त्री है कौन। दूसरा है चांद उसके पांवों तले है और सिर पर 12 तारों का मुकुट है। अब ये यूसुफ को जो स्वप्न आया था, उत्पत्ति 37वें अध्याय में यूसुफ को जो स्वप्न आया था कि 12 पुलियां नहीं उसके आगे आके झुक गई। वो 12 पुली में 11 उनके भाई थे और एक उनके पिता की बात थी वहां पर, और ये घटना वहां पर हुई थी। मतलब ये किनको साथ कनेक्टेड है? इज़राइल के साथ। हाँ प्यारो, और दूसरा यहां पर है जच्चा की पीड़ा में। अब प्यारो, ये और कोई नहीं है, ये है इज़राइली प्रजा की बात यहां पर लिखी गई है। अब आप देखोगे तो यशाया 54:1 में और यर्मिया 3:1-4 में इज़राइल को विवाहिता स्त्री का नाम दिया गया है। विवाहिता स्त्री है और उसका पति है यहोवा परमेश्वर। ये बात वहां पर वर्णन की गई। अगर आपके पास समय हो तो वो निकाल के पढ़िएगा जरूर इसके बाद में। पर इज़राइल को विवाहिता स्त्री के लिए, स्त्री के रूप में बताया गया है। बहुत सारे अभ्यासी का मानना ये है कि ये चर्च की बात है, कलीसिया की बात है। तो फिर कलीसिया का तो रैप्चर हो चुका है, वो कहां से हो सकती है? कोई लोग बोलते कि ना वो क्लेश काल की कलीसिया है, पर कलीसिया यहाँ पर नहीं है। कलीसिया के लिए शब्द दिया गया है कुंवारी दुल्हन, दुल्हन यहां पर शब्द है स्त्री। अब ये बहुत समझने वाली बात है, ये कुंवारी नहीं है, ये स्त्री की बात है। मतलब इसका मतलब ये है कि इज़राइल की बात है, ये इज़राइल राष्ट्र के बारे में ये वर्णन किया गया है। ये स्त्री और कोई नहीं है, इज़राइल राष्ट्र है। और उसको जो बच्चा का जो प्रसव की जो समय था उसका हम आगे देख रहे। दूसरा जो है लाल अजगर, 12:3-4 आयत में पढ़े, एक और चिन्ह स्वर्ग पर दिखाई दिया और देखो एक बड़ा लाल अजगर जिसके 7 सिर और 10 सिंह थे और उसके सिरों पर 7 राजमुकुट थे और उसकी पूंछ ने आकाश के तारों की 1/3 को खींचकर पृथ्वी पर डाल दिया। और वह अजगर उस स्त्री के सामने जो जच्चा थी, मतलब प्रसव की पीड़ा करने पर जो स्त्री थी, वो खड़ा हुआ कि जब वह बच्चा जने तो उसके बच्चे को निगल जाए। 9वीं आयत में लिखा है बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इबलीस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला है। मतलब ये लाल अजगर कौन है? शैतान के बारे में वहां पर लिखा गया है। 7 सिर 7 राजमुकुट क्या बताता है पता है? शैतान की उसके सामर्थ्य के प्रभाव को बताता है कि अभी तक 7 जो अलग अलग विश्व हो गए, विश्व सम्राट साम्राज्य हो गए, उसमें मिस्र देश था, हो गया बहुत बड़ा साम्राज्य था वो, अशुर असीरिया जिसको बोलते हैं वो भी एक बड़ा साम्राज्य हो गया, बाबिल नहीं इराक जो आज का है, बाबिल भी बड़ा, मेसोपोटेमिया जहाँ पर है, बाबिल भी बड़ा साम्राज्य हो गया, ईरान ये भी बहुत बड़ा साम्राज्य हो गया,
ग्रीस ये भी बड़ा साम्राज्य हो गया, रोम वो भी बड़ा साम्राज्य हो गया, और आखिरी है ख्रिस्त विरोधी का राज्य। यह सब कुछ, ये सात सिर और सात राजमुकुट बताती है कि शैतान का प्रभाव इन सब राष्ट्रों पर रहा। प्यारो, अगर इन सब राष्ट्रों का इतिहास देखोगे तो भयानक घटनाएं इन जगहों पर हुई और भयानक लोग इन राष्ट्रों में से खड़े हुए पर प्यारो। और यही बात बताती है, परमेश्वर अपने लोगों को खड़ा करता है और शैतान उसके लोगों को खड़ा करता है प्यारो। मतलब ऐसे लोग जो खराबी या तो दुष्टता करने वाले लोग, और ये यहाँ पर इन राज्यों का ये दस सात सिर और सात राजमुकुट यही बताती है कि शैतान की शक्ति का प्रभाव जो सात वर्ल्ड जो साम्राज्य हो गए विश्व साम्राज्य उनके बारे में थे, और एक तिहाई को खींच कर पृथ्वी पर डाल दिया। ये बताता है कि एक तिहाई स्वर्गदूत लूसीफर के साथ विद्रोह में शामिल हुए थे, जिसके बारे में आप सभी लोग बहुत अच्छे से जानते हो इसके बारे में कि कब ये बातें हुई थी। यशाया में और इज़ेकियल में इसका वर्णन किया गया कि शैतान के साथ में उसके साथ और भी दूत जो शामिल हुए थे उसके बहकावे में, वो दूत थे पतित दूत, मतलब गिरे हुए दूत थे, इसके साथ में गिर पड़े थे, गिर गए थे, उनको निकाल दिया गया था। और तब से उनका है ना जो बोलते हैं कि वायु की सत्ता का अधिकारी उसको बोला गया है, मतलब वो बिल्कुल पृथ्वी पर नहीं पर पृथ्वी के जो वातावरण है, पहला आकाश जब छोड़ते वो वातावरण की बात है, वहां पर उसका साम्राज्य है और वहां से ये सब काम वो कर रहा है। और इसीलिए यीशु मसीह ने नए नियम में ये बात बोली थी, जब चेलों को सेवा में भेजा था तो चेले सेवकाई करके दो दो हिस्सों में जब आए वापिस तो उन्होंने देखा कि प्रभु ने उनको बोला कि मैंने शैतान को आकाश से गिरते हुए देखा बिजली की नाई। तो ये वही बात है प्यारो कि उसका राज्य साम्राज्य वहां पर है, क्योंकि स्वर्ग से इसको फेंक दिया था और उसके साथ में एक तिहाई स्वर्ग दूत जो इसके साथ जुड़ गए थे बहकावे में विद्रोह में। तो ये वो का दंड लिए हुए सब जातियों पर राज्य करने पर था, और उसका बच्चा एकाएक परमेश्वर के पास और उसके सिंहासन के पास उठाकर पहुंचा दिया गया। और जब अजगर ने देखा कि मैं पृथ्वी पर गिरा दिया गया हूं, तो उस स्त्री को जो बेटा जनी थी सताया। देखो यहाँ पर छोटा बालक कौन है, अब यहाँ पर लोग बहुत बड़ी गलती यहाँ पर भी लोग कर बैठते हैं कि ये ऐसा समझ बैठते कि ये यीशु मसीह है, और वो जो स्त्री थी वो उनकी माता मरियम है, पर ये नहीं है, ये गलत है यहाँ पर। और दूसरी बात, ये यीशु मसीह भी नहीं, क्यों लोग यहाँ पर यीशु मसीह समझते हैं इस बच्चे को, कि बेटा जनी तो लोहे का दंड लिए हुए सब जातियों पर राज करने में। अब यीशु मसीह के लिए ये बात थी कि जब उसका शासन होगा तो लोहे का दंड लिए हुए वो जातियों पर राज करेगा, ये भविष्यवाणी उनके लिए थी। पर स्वर्गदूत यूहन्ना को यीशु का जो ये रेवलेशन दिखा रहे वो ऐतिहासिक, मतलब पास्ट में जो स्वर्गारोहण हुआ वो नहीं दिखा रहे, पर आने वाले समयों में आने वाले समय में जो होने वाला है वो दिखा रहे। पिछले 60 साल में यूहन्ना ने ऐतिहासिक स्वर्गारोहण देखा तो उनके सामने यीशु को स्वर्ग पर उठा लिया गया था, तो वो घटना तो यहाँ लिखने की जरूरत नहीं थी। पर यहाँ पर क्या लिखाया गया है प्रकाशित वाक्य में, जो घटनाएं अब होने वाली है वो घटनाएं, वो घटना जो शीघ्र होने वाली है, वो घटना यूहन्ना को पहले अध्याय में प्रभु ने बोला है कि तू लिख। तो मतलब इसका मतलब यहाँ यीशु मसीह की बात वहां पर नहीं है, ये बच्चा यीशु मसीह नहीं है। और ये दूसरा कि यीशु कुंवारी से जन्मे थे, जबकि यहाँ स्त्री की बात की गई, ये स्त्री है और यीशु कुंवारी से जन्मे थे, है ना, मतलब स्त्री का मतलब है कि उसकी उसका विवाह हुआ है, ये बात है। और ये जच्चा नहीं, मतलब विवाह हो चुका था स्त्री का, पर यीशु तो कुंवारी से, मतलब ये यीशु मसीह नहीं है, और वो स्त्री कलीसिया भी नहीं है, वो स्त्री इज़राइल का राष्ट्र है। और ये बालक कौन है अब हम देख रहे हैं, यीशु का आगमन अब जब इस घटना के 3.5 साल ही जब दूर है, तब छोटे बालक के जन्म की जो बात है
जो 2000, अब यीशु को समझ ले कि भाई यीशु है तो 2000 वर्ष पहले कैसे जाग सकते थे, ये बात कुछ समय मेल जोल नहीं खा रहा है। ये साफ बताता है कि ये यीशु मसीह नहीं है। लोहे का दंड लिए हुए सब जातियों पर राज करने की बात यीशु मसीह के लिए लिखी गई थी, पर हाँ यही बात कलीसिया के संत उनके लिए भी लिखी गई थी कि वो मसीह के साथ राज करेंगे और वो भी लोहे का दंड लिए हुए। मत्ती 19 और 28 में ये लिखा है और प्रकाशित वक्त के 2:26-27 में ये बात लिखी हुई है। और महाक्लेश के संत भी मसीह के साथ ऐसे ही राज करेंगे, प्रकाशित वाक्य रेवलेशन 20:4-6 में ये घटना ये बात साफ लिखी हुई है। इसका मतलब तो ये बालक कौन हो सकता है, कौन हो सकता है ये बालक? यशाया 66:7 में ये बात लिखी है, उसकी पीड़ाएं, एक और रेफरेंस पढ़ते, उठाने से पहले ही उसने जन्मा दिया, उसको पीड़ाएं होने से पहले ही उससे बेटा जन्मा। ऐसी बात किसने कभी सुनी, किसने कभी ऐसी बातें देखी? क्या देश एक ही दिन में उत्पन्न हो सकता है? अब समझ में आ रहा है ये सेंटेंस, देश एक ही दिन में उत्पन्न हो सकता है? ये भविष्यवाणी हो चुकी थी पहले। क्या एक जाति क्षण मात्र में ही उत्पन्न हो सकती है? इसका मतलब क्या है? क्योंकि सियोन की पीड़ाएं उठी ही थी कि उससे संतान उत्पन्न हो गए। सियोन की पीड़ाएं उठी ही थी, क्लेश काल का आरंभ ही हुआ था। क्लेश काल का आरंभ हुआ उस समय कौन आया, कौन जीता गया था? पौलुस यहां पर और भविष्यवाणी के बारे में लिखता है कि इस रीति से सारा इसराइल उद्धार पाएगा, जैसा लिखा है कि छुड़ाने वाला सियोन से आएगा और अभक्ति को याकूब से दूर करेगा। मतलब स्त्री अगर इसराइल राष्ट्र है तो स्वाभाविक रीति से उसका बच्चा आनुवंशिक रूप से देखा जाए तो कौन हो सकता है? इसराइल का ही होगा। मतलब ये कौन है? यहूदी 144,000, ये वो ही लोग है कि जो छोटे बालक के रूप में है यहाँ पर। प्यारो, प्रकाशित वाक्य 12:5 में लिखा है, और उसके सिंहासन के पास उठाकर पहुंचा दिया गया। और प्यारो यहाँ पर एक और भयंकर और जबरदस्त घटना हो रही है 3.5 साल के मध्य में, ये बात हो रही है। और वो क्या है? यह 144,000 संत, क्या लिखा है उनके बारे में 12:5 में? सिंहासन के पास उठाकर पहुंचा दिया गया। ये यहूदी जिनके ऊपर परमेश्वर का नाम लिखा हुआ था, मुद्रा मारी हुई थी, इनके ऊपर परमेश्वर का नाम लिखा था। एक दूसरी बात है, परमेश्वर का नाम लिखा था, जो मुहर उनके ऊपर लगी थी। प्यारो हाँ, कलीसिया के ऊपर, कलीसिया के संतों के ऊपर मुहर लगी है, पर किसकी? पवित्र आत्मा की मुहर लगी। पर यहां पर ये लोग पवित्र आत्मा नहीं पाए थे, ये लोग तो दूसरे लोग थे कि जो लोग यहूदी थे, और इनके ऊपर मुहर क्या लगी है? परमेश्वर के नाम की। अगर इसके बारे में वर्णन आप देखोगे तो प्रकाशित वाक्य के 2:14 में ये बात आपको देखने मिलती है कि वहां पर सियोन पहाड़ के पास, वहां पर परमेश्वर मेमना है और उनके साथ ये लोग खड़े हैं। तो ये लोग वहां पहुंच कैसे गए, है ना? तो ये उनका पुनरुत्थान यहाँ पर, रैप्चर इनका हुआ है, ये दूसरा रैप्चर यहाँ पर हुआ है। और वो सिर्फ इन यहूदी लोगों का है, सिर्फ इन यहूदी लोगों का है, और वो भी यहूदी चुने हुए जिनके ऊपर मोहरें लगी थी, वो 144,000, उनको स्वर्ग में उठा लिया गया है। प्यारो, मिखाइल दूत के बारे में समय बहुत हो चुका है, हम नेक्स्ट टाइम में मिखाइल दूत और उसकी लड़ाई के बारे में हम देखेंगे, और उसके बाद में हम जल्द से आगे बढ़ेंगे। पर यहाँ तक की जो घटना है वो आपके सामने साफ है ना? तो अगर यहाँ तक कुछ प्रश्न है, आज जो सीखा है और आगे से जो सीख कर यहाँ तक पहुंचे, उसमें कोई प्रश्न है तो अभी क्वेश्चन आंसर का समय होगा, उसमें आप अपने प्रश्न पूछ सकते हो। पर फिलहाल हम छोटी प्रार्थना करते हैं, अपने सिरों को झुकाएंगे, अब हम प्रार्थना में जाएंगे। परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, आज के इस अभ्यास में आपने हमें आशीषित किया प्रभु, बहुत सारी बातें आपने हमें समझ में लाई कि प्रभु आपके क्लेश काल के समय में क्या क्या घटनाएं घटने वाली है, क्या क्या होने वाला है और कैसे होने वाला है। प्रभु हम धन्यवाद करते परमेश्वर, क्योंकि आपकी योजनाएं बहुत बड़ी है,
आपके काम बहुत बड़े हैं और आपके न्याय का सामना कोई नहीं कर सकता है पिता। प्रभु वो न्याय का सामना करने के लिए कोई पैसा बचा भी नहीं सकता है वहां पर। प्रभु हमने देखा था पिछले समय में कि बड़े बड़े धनवान भी कह उठे इस समय में कि पहाड़ तुम हम पर आकर गिर जाओ। ओ परमेश्वर, किसी का धन, किसी का साइज, किसी का नाम कमाया हुआ कुछ भी उनको बचा नहीं सका प्रभु। किसी की प्रेस्टीज, किसी ने पाई हुई प्रशंसा भी उनको नहीं बचा सकी है पिता। बड़ा नाम किसी का भी किसी को नहीं बचा सका है प्रभु। अगर बचा सका है तो प्रभु तेरा नाम है प्रभु। और प्रभु हम धन्यवाद करते प्रभु, तू हर हाल में तेरे लोगों को बचाने वाला परमेश्वर खुदा है। और प्रभु हम हमारे हाथों को उठाकर, सिरों को झुकाकर तुझे महिमा देते परमेश्वर, क्योंकि तू ही योग्य है। यू आर वर्दी लॉर्ड। प्रभु आप अकेले वर्दी हो प्रभु यीशु। हम आपकी स्तुति करते, आपका धन्यवाद करते प्रभु। आज के इस अवसर के लिए हम आपका धन्यवाद करते प्रभु। बहुत कुछ आपने हमें समझ में ला रहे हो पवित्र आत्मा, सत्य के आत्मा। हम आपका आपका सिर झुकाकर धन्यवाद करते कि ये सब बातें आप हमें ध्यान में ला रहे हो परमेश्वर। आपकी महिमा हो परमेश्वर। यीशु के नाम में हमारी प्रार्थना आपके चरणों में लाते हैं। बाकी की जो भी बाइबल स्टडी प्रभु, उसमें भी जो लोग अभ्यास घर पर कर रहे हैं उनकी आप सहायता करने, ये सब बातें समझने के लिए और भी अनुग्रह देना प्रभु। हम सबको आपका अनुग्रह और भी आप प्रदान करें और आपकी महिमा करें। यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं, सुनने को भूल करें। यीशु के नाम में आमेन।